दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे फोन को रिव्यू करने वाले हैं जो आप लोगों को 18,000 रुपए के अंदर बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स दे देते हैं, जिससे जैसे कि इसमें आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। कैमरा जो है, कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले फोन के नाम से शुरू करते हैं। तो फोन का नाम है ऑनर 200 लाइट 5G। इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे बाद में, पहले इसका एक वीडियो देख लेते हैं। All new ultra slim Honor 200 Lite. 108 megapixel spotlight portrait, 3x close up portrait, no matter far or near. 50 megapixel light sensitive selfie, great group photos, even in low light. Risk free PWM dimming display, more comfort for your eyes. Honor 200 Lite, AI empowered experience. तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया है। हमारा जो आज का फोन है, फोन का नाम है Honor 200 Lite 5G। ये एक 5G फोन होने वाला है। तो जो भी स्पेशल फीचर्स है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा मिल जाएगा और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। दोनों ही में आप लोग अच्छे से पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 3240Hz का PWM डिमिंग मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको मैजिक OS 8.0 मिलता है। ये AI पावर्ड एक OS है, काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। और भी कई फीचर्स अगर हम लोग देखें तो जो डिजाइन है काफी एलिगेंट डिजाइन है। इसका जो थिकनेस होगा सिर्फ 6.78 mm थिकनेस वाला ये डिजाइन है। और जो वेट है, वेट भी बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 166 ग्राम। किसी भी अगर आप दूसरे फोन को देखें इस कैटेगरी में, तो उनका वेट करीब करीब 180 से 190 ग्राम्स के आसपास होता है, पर इसका वेट बहुत ही कम है, 166 ग्राम्स। और भी अगर बहुत सारे फीचर्स देखें तो स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लार्ज एमोलेड व्यू मिल जाता है, जो एक बाउंडलेस और ब्राइटनेस क्लैरिटी के साथ बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देता है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 2000 निट्स का यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। 1200 निट्स का यहाँ पे आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाएगा और 93.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। अगर डिस्प्ले के आई फ्रेंडलीनेस की बात करें तो आंखों के लिए कितना अच्छा है, तो यहाँ पे आप लोगों को 7 डायमेंशन वाला आई प्रोटेक्शन मिल जाता है। यह TUV रेनलैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफाइड है। और बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि लो ब्लू लाइट मोड, ये डायनेमिक डिमिंग डिस्प्ले, सर्कैडियन नाइट डिस्प्ले, ई मोड, ई बुक मोड, डार्क मोड और बाकी बहुत सारे लेवल के ब्राइटनेस को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हाथ से फोन कभी गिर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो स्क्रीन टूट जाता है या फिर कुछ भी होता है। तो इस फोन को मिला है SGS के तरफ से 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन। SGS क्या है? SGS स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही अच्छा रेटिंग एजेंसी है, जो रेटिंग करता है कि फोन कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही नैरो बेजल्स मिलते हैं, जैसे कि आपको देखने में काफी अच्छा हो जाएगा। ये डिजाइन ऐसा ही है कि बहुत ही स्टेबल और बैलेंस डिजाइन है। इसमें कुछ कुशनिंग मटेरियल्स यूज किए गए हैं, जैसे कि आपका फोन कभी गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको डैमेज ना हो, उसका ध्यान दिया गया है। साथ ही में इसके जो कॉर्नर्स है और एजेस है, इनको एक अलॉय मटेरियल से डिजाइन किया गया है, जिससे कि इसका जो फोन अब कभी गिर जाए तो टूटे ना, या फिर टूटे तो भी बहुत कम टूटे। और अगर डिस्प्ले या फिर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा 256 GB का अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज, बहुत ही बड़ा स्टोरेज मिलता है। और 8 GB का तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रैम मिल जाएगा, साथ ही में 8 GB का यहाँ पे आप लोगों को एक जो आर्टिफिशियल रैम या फिर जो स्टोरेज को कन्वर्ट करके रैम होता है, डायनेमिक रैम, वो भी आपको मिल जाता है। तो इसको आप लोग 16 GB कर सकते हैं, पर आप लोग पकड़ के चलिए कि 8 GB का रैम तो आपको रियलिटी में मिल ही जाता है। और जो इनका डायनेमिक रैम है, इसको ये लोग कहते हैं ऑनर रैम टर्बो। अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैमरा का फीचर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये फोन कैमरा को ही ज्यादा फोकस करता है। तो कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा मिल जाता है, जिसका अगर एपर्चर की बात करें तो 1.75 फोकल लेंथ वाला एपर्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और आज के फोन में आपको सेल्फी में लाइट नहीं मिलता, जो फ्लैश लाइट होता है वो नहीं मिलता, पर इस फोन में आपको सेल्फी लाइट मिलेगा। ये एक पुराना फीचर है जिसको ये लोग कैरी कर रहे हैं, ये फीचर काफी अच्छा है। मैक्रो कैमरा भी मिलता है, साथ ही में वाइड एंड डेप्थ के लिए भी एक कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। बोके शॉट्स इसमें आप लोग ले सकते हैं, पोर्ट्रेट खींचे या फिर कुछ भी खींचे तो बैकग्राउंड में जो ब्लर आता है काफी अच्छा यहाँ पे आपको एक ब्लर दे देगा। जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें क्या होगा कि आप लोगों को HD फोटोज आप लोग ले सकते हैं, जिसमें सभी चीजें क्लियर और विविडली आपको नजर आ जाएगा। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो गया, जिसमें 78 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है, 90 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिलता है जब आप लोग ग्रुप फोटोज लेते हैं या फिर ग्रुप सेल्फीज लेते हैं। और पोर्ट्रेट्स जो है काफी अच्छे आते हैं, 3x आप लोग पोर्ट्रेट में जूम करके ले सकते हैं, क्लोजअप फोटोज भी आ जाते हैं इससे। OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप लोगों को मैजिक OS 8 मिल जाता है,
मैजिक पोर्टल क्या है? मैजिक पोर्टल में क्या है कि आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही एआई वाले फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि कस्टमाइज करके किसी को भी कॉपी पेस्ट कर दें, कुछ भी कर दें, वो सब आप लोग कर पाएंगे। मैजिक कैप्सूल मिल जाता है जो ऊपर जो आता है एप्पल जैसा, वैसा मैजिक कैप्सूल तो हो गया। और एआई मिलता है जिससे कि आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग पैरेलल स्पेस डिजाइन कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर लीजिए, एआई से फोटोग्राफी खिंचवा लीजिए, या फिर आप लोग मूवीज देखना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और बाकी इंस्ट्रक्शन दिया गया इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। तो सब कुछ तो हमने देख लिया, पर हम यहाँ पे हमें प्रोसेसर भी देखना पड़ेगा। प्रोसेसर देखने से पहले हम लोग पहले देख लेंगे इसमें और क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस फोन में आप लोगों को फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, डुअल सिम मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बिल्ट इन जीपीएस, ये तो सभी फीचर्स हो ही गए। फोन इंडिया में बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 166 ग्राम हो गया फोन का। अगर बॉक्स के बारे में बात करें तो बॉक्स में आपको क्या कुछ मिल जाता है, तो बॉक्स में आप लोगों को एक वारंटी कार्ड, सिम ट्रे इजेक्टर टूल, स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है जो फोन के ऊपर पहले से ही फैक्ट्री से ही फिट होकर आता है, चार्जर मिलता है, यूएसबी केबल मिलता है और क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाता है। 4500 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। और अगर कैमरास की बात करें तो कैमरा में यहाँ पे आपको सेल्फी में 50 MP और रियर कैमरा 108 MP, वाइड एंगल जो कैमरा है वो मिलता है 5 MP का, और 2 MP का यहाँ पे आपको मैक्रो कैमरा देखने को भी मिल जाता है। और आपका जो यहाँ पे मैजिक ओएस मिलता है वो एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इसमें आपको प्रोसेसर क्या मिल जाता है। तो प्रोसेसर में यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर है ये उतना भी पावरफुल नहीं है जो इस प्राइस पॉइंट में आ रहा है या फिर जिसमें भी आ रहा है, पर अगर आप लोगों को कैमरा के लिए चाहिए या फिर डेली यूजर्स के लिए एक फोन चाहिए तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। गेमिंग जिनको करना है वो उन लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये फोन लेना, वो किसी दूसरे फोन को भी देख सकते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 भी देखने को मिल जाता है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो काफी अच्छा है। अभी हम लोग प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे वीडियोस करना चाहें तो 1080p में 30 FPS तक इसमें आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 10x तक डिजिटल जूम इसमें आप लोग कर सकते हैं। अभी फोन को देख लेते हैं फोन कैसा देखने में। तो पीछे जो डिजाइन है काफी सुंदर डिजाइन देखने को मिलता है, सामने का डिजाइन भी काफी अच्छा है। अभी अगर प्राइस की बात करें तो आज के डेट में इस फोन का प्राइस आपको मिलने वाला है 17,998 रुपीज, यानी कि 18,000 रुपए में। और इस फोन में अभी चल रहा है 28% का डिस्काउंट, तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर आपको चार्जर खरीदना हो तो ज़्यादा प्राइस आ जाता है। और बाकी अगर ऑफर्स की बात करें तो नो कॉस्ट EMI यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और बाकी अगर आपके पास GST है तो उसमें 28% का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सभी फीचर्स थे। फोन का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फोन आपको 3 कलर्स में मिल जाते हैं, तो 3 कलर्स हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले तो सियान लेक, साथ ही में और एक कलर है मिडनाइट ब्लैक, और एक कलर है स्टारी ब्लू। जिसको भी आप लोगों को जो भी कलर पसंद हो आप लोग ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।